केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से 30 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र परियोजना से पहली बार तेल निकाला गया है। साल 2016-17 में शुरू हुए इस परियोजना से पहली बार 7 जनवरी को तेल निकाला गया। ONGC का 1 नवंबर 2021 तक इस प्रोजेक्ट से ऑयल प्रोडक्शन शुरू करने का प्लान था, लेकिन कोविड के कारण इसमें कुछ देरी हुई। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वहां मौजूद 26 कुओं में से 4 कुएं पहले से ही चालू हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही कम समय में हमारे पास न केवल गैस होगी बल्कि मई जून तक हम रोजाना 45,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन करेंगे। ये हमारी जरूरत के पूरे क्रूड ऑयल का 7% होगा और गैस उत्पादन का भी 7% होगा। ONGC की तरफ से इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया गया है। जिस स्थान पर तेल निकाला जाता है वह कृष्णा गोदावरी बेसिन में काकीनाडा के तट से 30 किलोमीटर दूर है। ONGC ने 7 जनवरी को कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक 98/2 से FPSO में अपना पहला तेल उत्पादन शुरू किया। ये परियोजना के स्टेप 2 के पूरा होने के करीब था। स्टेप 3 जिससे तेल चरम पर पहुंच जाएगा और गैस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा वो पहले से ही चल रहा है और जून 2024 में समाप्त होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक बाजार के विभिन्न स्रोत से आयात कच्चे तेल पर निर्भर है। यदि ONGC इस कच्चे तेल के भंडार से कच्चा तेल निकालना शुरू कर देता है तो बहुत ही जल्द ये उम्मीद की जा सकती है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में भी गिरावट आएगी। फिलहाल देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल 95 से 105 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल 90 से 100 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।